देखिए जो भी है, जो मीटिंग कर रहे हैं, जो मीटिंग कर रहे हैं, पूरे इलीगल मीटिंग्स है, उन लोग ऑलरेडी उनके ऊपर चार्जेस है, तो जो चार्ज पांचों जनों के ऊपर जो चार्जेस है, उन लोग खुद मेरे ऊपर कैसा मीटिंग करके वो कर सकते, उन लोग कर ही नहीं सकते। उन लोग की इलीगल मीटिंग है और उनका टाइम आ चुका है। अगर थोड़ा भी मॉरल है, थोड़ा भी वो है, तो मेरे ख्याल में उन लोग रिजाइन होना चाहिए, रिजाइन करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी एसीबी में केस चल रहे हैं, रोज कोर्ट अटेंड उन लोग करते हैं, मेरे ऊपर कोई चार्जेस नहीं है, मिसकॉन्डक्ट उनका है, मेरा मिसकॉन्डक्ट नहीं है, हर चीज गलत कर रहे हैं, गलत करने से कोई होता नहीं, गलती का जो गलत करते हैं वो गलत ही रिजल्ट आता है एंड में। सिचुएशन के बारे में बीसीसीआई जो डिसाइड करेगी वो बीसीसीआई डिसाइड करेगी, बीसीसीआई को सब पता है कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। तो अब क्या कहना चाहेंगे? मैं जो कहना था अभी कह दिया ना। व्हाट डू यू, अभी मैं देखिए, अभी जो ओम्बुड्समैन के ऊपर भी इनके ऊपर नोटिस सर्व है, अभी ओम्बुड्समैन इनको नोटिस भी देगी, तो जब भी इनको नोटिस देगी, उनको उनका हियरिंग होगी, तो वो तो जाना पड़ेगा, क्योंकि ओम्बुड्समैन तो एजीएम में अपॉइंटेड है, और मेरी जो मीटिंग थी एजीएम में, जो मैंने किया वो पूरी इलीगल मीटिंग है, क्योंकि उसी वजह से मुझे बोर्ड में एजीएम में मेरे को बुलाया गया, नहीं तो उन लोग को बुलाया जाता, अगर उनकी मीटिंग सही रहती उनको बुलाया जाता था, ये सिंपल कॉमन सेंस की बात है। अगर यहाँ पे भी अगर कोई अगर नहीं समझ रहा है तो फिर मैं इसको कुछ करना